आज ना दोस्तों हम लोग लाहौर आए थे और सुबह हम लोग ने वापस जाना था। इधर पता हमें क्या नजर आया, देखे कितनी बड़ी बड़ी फिश है। हाँ नासिर क्या कहता फिर तू? हाँ वो बकर बहुत ही प्यारी लगी, हम लोग ये वाली लेंगे। अब बकर सबसे बड़ी वाली नासिर, वो छोटी है, ये उससे भी बड़ी है। लेकिन लेके जाना मुश्किल हो जाएगा यार, लाहौर से हम लोग गाँव कैसे लेके जाएंगे यार? यही तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हम लोग गाँव कैसे लेके जाएंगे, कहीं रास्ते में माना जाए। चलो ऐसा करते हैं हम लोग ले लेते हैं, पहुँच जाएगी वो गाँव भी, ठीक है ना? हाँ चल ले जाते हैं, या तो अब बकरा हम लोग छोटी ले जाते हैं, वो गांव में आसानी से पहुंच जाएगी। अगर बड़ी लेके जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और नहीं नासिर हम लोग बड़ी लेके जाएंगे, ठीक है ना? चल ठीक है भाई, आप ऐसा करें बड़ी फिश निकाले, ठीक है ना? एक लेनी है दोनों? अब बकर दोनों लेनी है, पेयर लेना है, दोनों ले लेते हैं। क्या कहता है फैन तो? ठीक है जबरदस्त है यार, चलिए इसमें भी आइए देख, इसमें भी है फिश। अगर इनमें से कोई पसंद आती है तो हम लोग वो भी ले लेते हैं। नहीं नहीं नासिर हम लोग बड़ी लेके जाएंगे, छोटियां नहीं लेनी, ठीक है ना? अब बकर ये भी बड़ी प्यारी है यार। है तो ये भी बहुत प्यारी, लेकिन मुझे भाई ये वाली फिश बहुत ज्यादा प्यारी लग गया क्योंकि है भी ये सबसे बड़ी सबसे बड़ी। तो एक ये लेके जाएंगे और एक हम लोग ये वाली फिश लेके जाएंगे। इधर ना भाई के पास और भी ज्यादा फिश है, ये देखिए येलो और ब्लैक, और इसके बाद ये भी येलो और ब्लैक, और ये येलो है गोल्डन कलर की। तो मेरा भाई उनके ऊपर दिल आ गया, अब वही लेके जाएंगे। अभी नासिर भाई से बात कर रहा है, जैसे हमारी बात बन दिया फिर ले जाएंगे इधर से। हाँ क्या कहता भाई, पहुँच जाएंगे या नहीं? पहुँच जाएंगे फिर, ठीक है फिर ले लेते भाई। कहता 20 घंटे कुछ नहीं होगा फिर तो नासिर, ठीक है हम लोग ने 3 घंटे में अपने गांव पहुंच जाना है। चल नासिर प्लास्टर बैग पकड़, अभी भाई इधर से फिश उतारता है और डालता है। देखना यार कहीं से चप्पल नहीं है। ओए नासिर ये तो भाई खात नहीं आ रही, देखे देखे कहीं नीचे ना गिरे। एक चलेगी शॉपर में, अभी इधर से भाई दूसरी पकड़ेगा, पकड़ ले पकड़ ले। ये भी चलेगी शॉपर में। हाँ क्या कहता आप तो? माशाल्लाह बकर यार बहुत ही प्यारी है यार। हाँ मैं कहता हूँ अब सही सलामत गांव पहुँच जाएगा, ठीक है ना? यही डर है मुझे। तो फिश हम लोग ने भाई से ले लिया, अभी ऐसा करता है खुराक भी ले जाते हैं क्योंकि इधर से गांव लेके जाना है और सुबह हम लोग ने गांव जाना है। तो भाई ऐसा करे खुराक भी दे दें, बस इतने पैकेट, बड़े पैकेट नहीं है, बड़े 2 महीने के चले गए। हाँ ना सर आपको बकर चल जाएंगे। हाँ ये ठीक है फिर। ओए नासिर मुझे याद है हमारे घर तो बड़ा पैकेट पड़ा है। चल अब बकर एक ले जाते हैं, तो एक घर पड़ा हुआ है उससे काम चला लेंगे। हाँ गुड हो गया, गुड है। चलो चलते हैं, इस थैले में भाई ने पैक कर दिया, अब कुछ नहीं होगा। हम लोग को ये वाला रोड क्रॉस करना पड़ेगा और वो भी फ्लांग के। चल आसे तू भी फ्लांग फ्लांग फ्लांग, जल्दी चल जल्दी, ये ना हो के उधर से पुलिस वाले आ जाए और कहे कि भाई तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। चल ले चल ले, चल अब चलते हैं, चलते हैं। अब बकर मेरा तो दिल खुश हो गया यार। अभी ना हम लोग एक बाइक के ऊपर 4 लोग जा रहे हैं। चलो उस्मान जाने दे, चल यार चल 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 भाई आराम से जाना उस्मान, ये ना हो कि नीचे गिर जाए। आराम से देख, बाकी अब के भाई बहुत ही प्यारी मछली मिली यार तुझे। हाँ यार उस्मान बहुत बड़ी बड़ी। एक बाइक पे हम लोग 4 आए, जब मैंने पहली बार फिश देखना मेरा तो भाई दिल आ गया उसके ऊपर, और ये मैंने पकड़ी है फिश हाथों में। मुझे यही डर है कि कहीं प्लास्टिक बैग फट ना जाए। ओए नासिर हम लोग घर के बाहर तो पहुंच चुके हैं, इन फिश का अब क्या करें? अब बकर इनका क्या करें समझ नहीं आ रही, इनको रख देते हैं, जब सुबह जाएंगे फिर बस में रखेंगे और सीधा गांव, ठीक है ना? ठीक है बकर, तो रात को इधर ही रहने देना है? हाँ रात को इनको अपने पास रखेंगे, मेरा मतलब के थैले में रहने देना। हाँ थैले में रहने देना, खुराक नहीं डालनी। भाई ने कहा था कि अब एक बार सुबह डालना, तो सुबह डालेंगे, ठीक है ना? चलो ठीक है सुबह डालेंगे। अगर आके प्लास्टिक बैग के अंदर ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी है और ऐसे हमारी फिश मार भी सकती हैं, तो ऐसा करते हैं ऊपर से हम लोग ये वाला प्लास्टिक बैग खोल देते हैं ताकि ये खुली रहे, अंदर ऑक्सीजन जाती रहे प्लास्टिक बैग में। दोस्तों हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी ये वाली फिश मार जाएगी क्योंकि ये ऑक्सीजन वाली फिश है, ये पानी में नहीं रह सकती। तो अभी हम लोग कोई जुगाड़ लगा रहे हैं कि भाई इसको हम लोग ऑक्सीजन दें और ये मरे भी ना और पानी के अंदर भी रहे। हम इसमें ऐसा कुछ करते हैं, अगर हम लोग ऊपर से प्लास्टिक बैग को बंद कर देंगे ना तो अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ये दोनों मर भी सकते हैं, क्योंकि एक बार हमारे फिश मरी थी मुझे अभी भी याद है, तब हम लोग ले गए थे इसी तरह की गोल्डन फिश, वो इनसे थोड़ी थोड़ी छोटी थी। उस्मान क्या कर लगा? बड़ा कमाल का आइडिया, अभी देखिए जरा मैं इसका सही वाला इंतजाम करता हूं, जरा देखिए कैसे यहाँ पे बोतल रखे ना, अच्छा 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 अच्छा, इधर बांध देते हैं, ऊपर से हवा जाती रहेगी और यहाँ से लटका देंगे हम। हाँ 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 ये ठीक है, बेहतरीन तरीका होगा, ऑक्सीजन जाती रहेगी और ये बचे रहेंगे। हाँ हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। उस्मान भाई का कितना दिमाग काम करता है। ओए ओए उस्मान भाई तो हमारा इंजीनियर है, घरेलू इंजीनियर। ऐसे नहीं तो इन लोगों को सांस लेने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, तो शुक्र है कि हम लोग ने टाइम पे देख लिया, नहीं तो ये मार भी सकती थी सुबह तक, सुबह तो फिर हम लोग इसे इधर ही फेंक जाते हैं, तो शुक्र है कि टाइम पे हम लोग ने देख लिया। बकर भाई फिर जिबा करनी पड़नी थी और फिर आपके वो बने थे फिश बनी थी।
फिर इसका सालन चलना था सुबह। सही है, फिर आपने नाश्ता इससे करना था। सही है सही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है, तो अभी ऐसा करते हैं जल्दी से अपने फिश को खुराक डाल देते हैं। भाई ने कहा था चल ना से डाल खुराक, देखना फिश हमारी जिंदी भी आई है मर गई है। बकरा भी जिंदा ही है। बस करो बस। हाँ बहुत है ना सर। ठीक है, भाई ने कहा था कि सिर्फ इतनी डालनी है। चले फिर अब चलते हैं, चल डाल इसको थैले में फिश को। घर जाके हम लोग सबको अपनी फिश दिखाएंगे, सब बहुत ज्यादा खुश होंगे। अभी इधर से जाएंगे हम लोग स्टॉप पे, उधर से बस पकड़ेंगे और उसके बाद सीधा घूम चलेंगे। चलो भाई अपना अपना सामान उठाओ इधर से, जल्दी करो जल्दी। सर बैग पकड़, वो इधर रहने देना क्या? फिर तो वो वाला प्लास्टिक बैग पकड़, मैं ये वाला बैग पकड़ता हूँ। थैला भी पकड़ना, इसको इधर ही छोड़ के जाना क्या? चलो चलो चलो, इधर से अब हम लोग जाएंगे मनाली पाकिस्तान के पास, उधर से हम लोग जाएंगे फिर अड्डे पे और उधर से बस पकड़ेंगे और सीधा ही फिर गोवा चलेंगे। इस वक्त हम लोग मनाली पाकिस्तान के बिल्कुल सामने खड़े हैं। ओए तू क्या कर रहा है इधर बैठ के, पिक्चर खींच रहा है? बड़ा ही मजा आ रहा तुझे। तो इधर से बस पकड़ेंगे और फिर चलेंगे गोवा। डर था आखिर वही हुआ, हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी फिश मर जाएंगे और ये सच में मर चुकी है यार। नासर अबू बकर यार बहुत ज्यादा दुख हुआ, हम लोगों ने बहुत ज्यादा कोशिश की थी कि ये बच जाए लेकिन यार ये नहीं बच पाए। तकरीबन लाहौर से हमारे गांव का सफर 3-4 घंटे का है, तो हम लोगों ने रास्ते में भी बहुत ज्यादा कोशिश की, बहुत ज्यादा एहतियात की कि ये बच जाए, किसी तरह से हम इसे गांव ले जाए और जाके सबको दिखाएं। हम पूरी ऑक्सीजन भी दे रहे थे लेकिन फिर भी ये नहीं बच पाए। हाँ उस्मान, ये तूने पहली बार देखी थी? पहली बार देखी। उमर तूने? बकर पहली बार देखी थी। मुकरम तूने? बकर मैंने भी पहली बार देखी है। इतनी बड़ी पहली बार देखी है? बहुत ज्यादा बड़ी यार, मैंने भी पहली दफा देखी थी इतनी बड़ी। यार देखने में भी बहुत प्यारी लग रही थी। तूने पहली बार देखी थी? बकर यार हाँ वही है गोल्डन फिश। जब मैंने ये वाली फिश भाई की दुकान पे देखी थी ना, मेरा इसके ऊपर दिल आ गया था। मैंने नासिर को कहा था कि ये लेके सोच रहा था ये बड़ी होंगी फिर बच्चे देंगी फिर प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। ओए होए होए, लेकिन यार हमारे सारे अरमानों के ऊपर पानी फिर गया। हाँ यार ना सर। हाँ यार मैंने भी यही सोचा था, वैसे है बहुत प्यारी थी। देखे यार अबू बकर भाई, अब तो एक ही काम हो सकता है यार। क्या? टिक्का मोती। हाँ यार अब वही करना पड़ेगा क्योंकि ये वाली फिश मरती नहीं है, ये हलाल हो जाती है, तो इसे हम खा सकते हैं। खा सकते हैं ना सर? नहीं अबू बकर नहीं खा सकते। हम तो बाहर फेंक देंगे, अगर तू खाना चाहे तो खा सकता है। अबू बकर मैं नहीं खा सकता। हाँ ऐसा करते हैं, या हम किसी डॉगी के आगे डाल देते हैं या किसी और जन्म को दे देते हैं, वैसे ये खाई जा सकती है। बकर तूने खानी है? खा लिया। मेरी बात सुन ले, हम लोग ताबी फिश लेके आएंगे जब हमारे घर है इनका तालाब बन जाएगा, ठीक है ना? अबू बकर इतनी दूर से लाना भी बहुत मुश्किल थी, तो अब हम लोग सिटी से ले आएंगे। अब सिटी से नहीं लेके आएंगे, तब लेके आएंगे जब हम लोग हवेली इनका वो बन जाएगा, तालाब बन जाएगा, फिर ले आएंगे, ठीक है ना? ऐसे अब हम लोगों ने नहीं लेके आना क्योंकि ऐसे रखने की भी कोई जगह नहीं है। और मार भी गया, बहुत दुख हुआ, अब तो मेरा इनके ऊपर से दिल उठ गया। तेरी। अब तो यार इनके साथ खेल रहा, अब तो ये दोनों के दोनों मर चुके। देखे कितनी बड़ी थी लेकिन ये नहीं बच पाई। दोस्तों कुछ दिन पहले जो हम लोग बिली छोड़ के आए थे ना, वो जंगल से दोबारा वापस आ चुका है, तो अभी अभी हम लोगों ने उसे घर देखा है, उसने दोबारा हमारे कबूतरों के ऊपर अटैक किया। चल अली भाई फिर से ये वाला फंदा लगाते हैं। वो वहां कैसे गई पता नहीं यार, मैंने उस दिन कहा था कि ये वापस आ जाए, मुझे यकीन था। अली ने कहा था कि इधर नहीं छोड़ते, आगे कहीं दूर जाके छोड़ते हैं। मैंने अली को कहा कि हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं, अब वो नहीं आ सकेंगे, लेकिन वो दोबारा आगे। चल इसे उठा भाई बाहर, फिर फंदा लगाते हैं। इसकी जो रस्सी है ना वो काट दी, अभी रस्सी चेंज करनी है इसकी अभी। हाँ चल उठा इसे बाहर रखते हैं, तू दूसरी साइड से पकड़। पकड़ यार अभी दोबारा से बिल्ली को पकड़ना पड़ेगा। क्या बता अली भाई, नहाए वो? क्योंकि अभी उसको पता है ना इसके बॉस के बारे में। हाँ क्योंकि अभी उसको पता चल गया कि ये फंदा है, वो नहीं आएगी मुझे लग रहा है। चलो कोई नहीं, हम लोग फिर लगाते हैं। इधर रख दे, इधर इधर ठीक है, क्योंकि वो इधर से ये हमारे छत के ऊपर आती है, तो पहले भी हम लोग ने इधर ही लगाया था, तो अब देखते हैं कि वो आती है या फिर नहीं। सबसे पहले ना हम लोग अंडा तोड़ेंगे ताकि बिल्ली को खुशबू आ जाए। तोड़ दे ले। ओए अबू बकर क्या कर रहे हो? और यार फिर वो वाली बिल्ली आ गई दोबारा से। अभी बिल्ली आ गई। हाँ हम लोग फिर पकड़ेंगे। क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है? छोड़ के आए थे फिर आ गई। तोड़ दिया अंडा। बस ठीक है। तुझे क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है? किसने मारा? और यार इतनी रात को क्यों पंगे कर रहे हो? अभी टाइम तकरीबन 10 हो चुका है, तो अभी हम लोग बिल्ली पकड़ने की दोबारा कोशिश कर रहे हैं। अंडा हम लोग ने इधर फेंक दिया, गोश्त भी हम लोग अंदर रख देते हैं, और अभी हम लोग रात पूरा इंतजार करेंगे, देखेंगे कि बिल्ली आती है सुबह तक या फिर नहीं। भाई
वैसे फंदा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका। क्या नहीं, हम लोग ने इधर नहीं सुना, हम लोग ने नीचे सुना जिधर पहले सोते हैं। इधर सुना? आए आए आए, इधर नहीं सुना, इधर कोई चारपाई नहीं है। ठंडी हवा अच्छा। हाँ अभी इधर गोश्त रखते हैं।